रोडीज के सीजन 19 के लिए रिया चक्रवर्ती, प्रिंस नरूला और गौतम गुलाटी ने शूट स्टार्ट कर दिया है। इस सीजन से रणविजय और ईशा देओल का पत्ता कट चुका है। इन तीनों मेंटोर्स को तो हमने काफी अच्छे से कोऑर्डिनेट करते हुए देखा है, लेकिन अब ये जो नए जजेस हैं, इनकी आपस में नहीं बन पा रही है और इस बार रोडीज के सेट से बहुत बड़ी खबर आई है। प्रिंस नरूला का गुस्सा सेवंथ स्काई पर है, जिस वजह से रिया के साथ उनकी बन नहीं रही है। पहले भी इनके झगड़े की खबर आई थी, लेकिन गौतम गुलाटी के एक इंटरव्यू ने इस पर स्टॉप लगा दिया था, बट ये मामला और गर्मा गया है। इतना ज्यादा कि गुस्से में प्रिंस नरूला को रोडीज 19 के सेट से बाहर निकलते हुए देखा गया। पूरी अपडेट जानने के लिए चैनल को फॉलो कर लीजिए और वीडियो को एंड तक जरूर देखना। प्रिंस नरूला ने सबके सामने रिया चक्रवर्ती को धमकी दी है। यस, यू हर्ड इट राइट। वैसे तो प्रिंस नरूला को उनके फ्रेंडली बिहेवियर के लिए जाना जाता है। अब तक हम उन्हें रोडीज, स्प्लिट्स विला, बिग बॉस और लॉकअप जैसे शोज में देख चुके हैं, जहां उनका बर्ताव काफी अच्छा रहा, लेकिन रोडीज के सेट पर उनकी रिया से नहीं बन रही है। इन दोनों के बीच का झगड़ा बढ़ता जा रहा है और इसके पीछे सोशल मीडिया ट्रोलिंग है सबसे बड़ी वजह। एक्चुअली सोशल मीडिया पर प्रिंस और गौतम को फैंस ट्रोल कर रहे हैं रिया के साथ काम करने के लिए। आप जानते ही हैं कि सुशांत सिंह राजपूत केस की वजह से रिया को फैंस कुछ खास पसंद नहीं करते। ऐसे में प्रिंस और गौतम का रिया के साथ काम करना ऑडियंस को पसंद नहीं आ रहा है और इसी वजह से दोनों सेलेब्स को ट्रोलिंग झेलनी पड़ रही है। इसी के चलते प्रिंस का बिहेवियर रिया के लिए बहुत रूड है और अब प्रिंस के इस रूड बर्ताव के चलते रिया ने उनके साथ काम करने से इनकार कर दिया और रोडीज की मैनेजिंग टीम से प्रिंस नरूला की कंप्लेन कर दी। बस इसी बात पर प्रिंस नरूला भड़क गए और रिया को धमकी दे डाली। इसके बाद प्रिंस गुस्से में रोडीज के सेट से बाहर निकलते नजर आए। खैर, अब रोडीज 19 खतरे में तो पड़ ही चुका है, क्योंकि जब मेंटोर्स की ही आपस में नहीं बन रही है तो फिर सीजन आगे कैसे बढ़ेगा। इस बारे में आपके क्या व्यूज हैं? क्या प्रिंस नरूला का सेट पर ऐसा बर्ताव एक्सेप्टेबल है? कमेंट सेक्शन में अपनी व्यूज जरूर शेयर करें। फॉर मोर सच कॉन्टेंट, फॉर मोर बॉलीवुड अपडेट्स, प्लीज फॉलो माई लव फॉर बॉलीवुड।